मुझे पता चल गया, बताऊँ इसका 1920 है और 4014 है। अभी वहाँ पे पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, डबिंग नहीं है हमारी, डबिंग नहीं है। लॉन्ग टाइम गुड गुड चलिए रेडी शांत हो जाओ प्लीज। हम बहुत एक्साइटेड हैं, थके हुए बिल्कुल नहीं है हमें। एक्चुअली अभी डबिंग करने की जरूरत है, होपफुली पिक्चर खत्म हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी, तो भी कोशिश वही है। हाँ वही, कोशिश करिए कि हम लोग कन्फ्यूज रखें कि हीरो कौन है, विलन कौन है। आई थिंक ये नया दौर है कि हीरोज भी विलन बन सकते हैं, उनमें भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, और वही कोशिश करिए। मोहित सूरी की जो फर्स्ट लाइन थी, उन्होंने मुझे बोली कि ये कहानी किसके बारे में, वो कहते हैं कि कहानी एक विलन की लव स्टोरी है, एक बुरे आदमी की लव स्टोरी है। तो आई थिंक वही एक चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग और नया है इस पिक्चर के बारे में। तो इस फिल्म में तो एक्चुअली कोई हीरोज है ही नहीं, ये फिल्म है विलन्स के बारे में, और मैं हूँ इस फिल्म में जो दो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स के बीच में हूँ। और आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है, फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहें। एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसके जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फ़नी समझती है और बहुत बातें करती है। और फिर इन्होंने गाना भी गाया,
कन्विंस करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गाना गाना है। आशिकी से कोशिश कर रही है गाना गाने की, अब उनको मौका मिला। तो उस पे ऑफ कोर्स आशी टुबे जितना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो लेवल सिंगिंग का था आशिकी टू में वो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती। एंड तो उन्होंने एक विलन में मुझे मौका दिया और एक बहुत ही खूबसूरत गाना दिया है उन्होंने मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं चाहती आई हूँ कि आई कुड सिंग फॉर माय फिल्म्स एंड आई एम डूइंग दैट नाउ। हम चाहते वो गाना जो ओके तो गलियां का अनप्लग्ड वर्जन। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। सिंगर्स की नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म के लिए गाना गा रही हूँ, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Just, you know, just being your transition from romantic to this. So was it convincing for you the moment Mohit gave you the narration or, you know, gave you the brief about it? Yeah, just two films old actually. Third is yet to come out. And while I was doing my second film, तब मैं मिला बालाजी मोहित सूरी एंड उन्होंने बताया कि ये पिक्चर में ये कॉन्टेंट ये है, ये किरदार है जो नेगेटिव है।